और देवरानी जा रहे हैं पिरुल लेने के लिए। तो आजकल क्या हो, जंगल से इधर की साइड को आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे ना बांदी होने लगी है और उधर साइड से देखिए फिर से बारिश आने लगी है। आ गए हैं ना फिर से यहाँ नीचे की साइड को, इधर को चल रहे हैं। तो मितांश को देखे ये आगे, इस बंदर ने हमको इतनी बार चकरा दिया है। चलो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हम लोग आए हैं घास काटने अपने खेत में। फिलहाल तो अभी ना हम लोगों ने यहाँ पे घास काट दिया है और अभी हमें करनी है चूहे की कटाई, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है चौलाई, तो हमारे गढ़वाली भाषा में इसे बोलते हैं चूहा, जो कि ना पूरी तरह पक। तो दोस्तों अभी मैं और देवरानी जी करने वाले हैं यहाँ पे चौलाई यानी कि चूहे की कटाई। तो ये चूहा ना पक चुका है और इसको ना चिड़ियाएँ खा रही हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको काट देते हैं। बाकी एक भारी घास तो हमने काट दी है और बाकी इसको घर ले जाके फिर से काटेंगे हम लोग घर के पीछे वाले खेत पे ना। हमारा जो खेत है इसमें ना चूहा पूरी तरीके से पक चुका है, कुछ कुछ ना हरे हो रखे हैं, तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे। बाकी देखिए जो पूरा पीला हो चुका है इसको हम लोग काटेंगे। तो ये देखो यहाँ पे पूरे एरिया में आपको चूहा ही दिखेगा, यानी कि चौलाई। तो चलिए एक बार इसको काटते हैं, देखिए कितना मस्त हो रखा है ये पक्के। अभी ना दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने घर के पीछे वाले खेत में। तो इस खेत में हम लोगों ने बो रखा है। तो इस खेत में देखो आपको बहुत सारे प्रकार के अनाज मिलेंगे। पहले तो यहाँ पे हो रखी है मूंगरी और ये है मंडवा का खेत, इसमें दाल भी बो रखी है, चूहा भी बो रखा है, सारी चीज़ें बो रखी हैं और ये बिल्कुल हमारे घर के पीछे है। तो चलिए जी अभी इस वाले खेत से भी घास काटते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 3 और अभी मैं और देवरानी जा रहे हैं पिरुल लेने के लिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि जैसे भी धूप लग रही है ना, सीधे हमारे गांव वाले सब पहुंच जा रहे हैं पिरुल लेने के लिए। तो अभी हम दोनों भी जा रहे हैं, बाकी लोग ना लेके चले गए हैं और हम लोग ना अभी जा रहे हैं। बाकी हमारा तो ये देखिए पास में ही है पिरुल का जंगल और आज ना चटाक वाली धूप लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं और ये हमारी दरांतियाँ जिससे कि ना हम लोग पिरुल सो रहेंगे। तो चलिए जी और देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है अभी, तो क्या करें इतनी तेज़ धूप में जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ना बकरियाँ रखी हैं ग्वाला, ये ले वही बाखर तेज हुई भैया, ये देखो बाखर गए। तो दोस्तों अभी ना हम उधर वाले जंगल से इधर की साइड को आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे ना पिरुल कम हो रखा है। तो इधर भी देखते हैं सूखा होगा कि नहीं सूखा होगा, क्योंकि कल तक तो लगातार बारिश आ रही थी। तो हम लोग ना यहीं से ले जाने वाले हैं। तो चलिए फिर एक बार हम लोग ना पिरुल इकट्ठा करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग पिरुल लेके आ चुके हैं घर पे और पिरुल लेके आए हम, फिर ना हम लोग घर गए थे चाय पीने के लिए। और अभी मैं आ रही हूँ मितांश को लेके, मतलब मैं जा रही हूँ अभी गौशाले पे। तो अभी क्या वहाँ पे ना अभी हमने गाय भैंसों को भी खोला हुआ है उधर पे, नहीं मछली है वहाँ मछली, चलो। और मितांश भी आ रहा है मेरे साथ। तो देखो अभी ना मितांश भी जा रहा है यहाँ पे। आप कहाँ जा रहे हो मितांश? बाकी यहाँ पे है हमारे बतख, चलो ये हमारे। हम कहाँ जा रहे हैं मितांश? ये देखो, और मितांश इनको बहुत ज़्यादा करता है परेशान। लोग सब ना इधर आ रखे हैं, मैं मितांश और मितांश की चाची। तो अभी ना यहाँ पे इतने सारे बंदर आ गए हैं ना फिर से, यहाँ नीचे की साइड को इतने ज़्यादा बंदर आ गए हैं और हमसे तो ना वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। तो यहाँ ना पूरे जंगल में इतने सारे बंदर आ चुके हैं और बाकी हमारे गाय भैंस इधर को चल रहे हैं। तो मितांश को देखे, ये देखो ये कैसे कैसे भाग रहा है। मितांश रुक जा। तो ये देखो, और ये क्या है? ये किसका डंडा है? ये गुल्लू डंडा। अच्छा जी, ओके, भैंस मारेगा आपको, मत करो। तो दोस्तों अभी ना हल्का हल्का बारिश की बूंदा बांदी होने लगी है और उधर साइड से देखिए फिर से बारिश आने लगी है।
तो अभी चलते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को हमारे बैंगन में कहीं फिर से बंदर ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे गौशाले पे ना केले भी हो रखे हैं, तो ये देखो यहाँ पे जो ये केले के पेड़ है ना इन पे केले भी आ रखे हैं और कुछ केले हो रखे हैं वहाँ नीचे पे। बाकी अभी ना हमने गाय भैंसों को अंदर बांध दिया है तो यहाँ पे ना बंदर आ चुके हैं। तो ये देखो इस वाले पेड़ पे भी हो रखे हैं केले और एक हो रखा है उधर की साइड को, यहाँ से दिख नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे ना हमारे एक लौकी का लगला था, इससे ना पूरे जो बंदर है मतलब वो इससे ना उसको ले गए हैं। लौकी कैसे मतलब उन्होंने ऐसे उलट पुलट कर रखा है ना इस लौकी का, सारा ले गए हैं यहाँ से। आप क्या कर रहे हो मितान? ये मितान यहाँ पे डांस करते करते गिर गया। तो दोस्तों ये है हमारे बैंगन का खेत जिसकी रखवाली करनी पड़ रही है मुझे और मितान को। तो इसको देखो ये कैसे कर रहा है यहाँ पे। बाकी उधर साइड से आने लगी है बारिश, बाकी हम भी चलते हैं फिर घर को। और यहाँ पे ना बंदर आ गए थे अभी इस वाले आड़ू के पेड़ में, तो हमने उनको ना भगा दिया है अभी फिलहाल के लिए। तो जब आएंगे फिर भगाएंगे। बाकी मितान क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, ये तोड़ दिया इसने अपना हाथ पाँव। और अच्छा हुआ नीचे को कहीं बंदर ना आ जाए। ये देखो कोई भरोसा नहीं है यहाँ, जो भी जितने हमारे खेत है ना इनमें बार बार आ जाते हैं बंदर, क्योंकि जंगल ना बिल्कुल पास में है तो जंगल की वजह से एकदम से आ जाते हैं यहाँ पे। बाकी ये यहाँ पे लगा हुआ है बैंगन तोड़ने पे। क्या कर रहे हो आप ना? दोस्तों बंदर आ चुका है हमारे गौशाले के छत में, ये यहाँ से ना साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आ चाको आप मुन में बंदर ते मुन में जी तो चले गया है वो अभी पीछे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बैठा हुआ है ये बंदर, तो क्या करूं मैं इस बंदर का समझ में नहीं आ रहा है। ये त्रबा आती गुलो, तो इधर से चले गए। आजा इधर आजा, मैं इधर से जा रही हूँ तो उधर से, उधर से तो वो इधर से। गायब हो गया इधर से भी। तो देखो फिर ये बंदर ना इधर आ गया। इस बंदर ने हमको इतनी बार चकरा दिया है। चल तो मिताल सु। और ये गया बंदर भगाने। लाख कोशिश करने के बाद भी ना दोस्तों ये बंदर ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, और मेरे साथ ना मितांस भी है। तो ये ना उल्टा पलट के हम पे वार कर रहे हैं, मतलब हमको डरा रहे हैं। तो आजकल के बंदर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। बाकी अभी मितांस के पापा आ रहे हैं तो, और ये देखो मितांस ना इतना शैतान है कि इसके साथ ना कुछ भी काम नहीं हो पाता है। ये तो बंदर के चक्कर में ना कहीं ये ना गिर जाए, इसलिए मैं ना जा भी नहीं रही हूँ उनको हकाने, मतलब उनको तो पत्थर। ये देखो ये कैसे कर रहे हैं। जैसे ही मैं गौशाले गई ना आज भैंस से दूध निकालने के लिए, वैसे ही ना इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई। तो अभी मैंने यहाँ पे ना चाय रखी है अपने लिए और देवरानी के लिए, क्योंकि वो भी भीग गई थी, वो सब्जी लेने गई थी पॉली हाउस में। तो अभी यहाँ पे हमारी सब्जी तो बन चुकी है, देवरानी गूंद रही है आटा। बाकी बाहर लगी है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश, तो अभी ना सासू जी ने हमें यहाँ पे दिया है पिस्ता खाने के लिए, क्योंकि आजकल ना हमारे घर पर हमें पिस्ता पिस्ता मिल रहा है, तो चाय के साथ हम लोग खाएंगे ये देखो पिस्ता। तो अभी यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है, फिर बनाएंगे रोटी। तो जब से देवरानी आए हैं तब से मेरी रोटी सब्जी बनाने की ड्यूटी ना ख़त्म हो गई है, मेरे को नई जिम्मेदारी मिल गई है गौशाले की। तो कोई नहीं, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं। बाकी पहले ना गौशाले का काम करते थे सासू जी और मैं घर का काम करती थी, मतलब रोटी सब्जी मैं बनाती थी। अब ना सासू जी रहते हैं मितांस के साथ और वो घर का ही काम करते हैं, और मेरी ड्यूटी है गौशाले जाने की। तो चलिए एक बार ना हम यहाँ पे अभी चाय पी लेते हैं, और यहाँ तो पता नहीं क्या खाया जा रहा है अभी। तो दोस्तों अगर आप लोग ना बारिश में भीग के आओ और चाय ना पियो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बिना चाय के रहती भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। बाकी आज की वीडियो को ना शाम की चाय से ही एंड करते हैं। तो चलिए जी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।